और अब जो है मैम की बहुत व्यस्तता है। मैम ने अभी मुझे बताया कि उनके आज में 19 आयोजन हैं। 19 आयोजनों में शिरकत करना, मैं तो सलाम करती हूँ इस अनथक मेहनत को। हम कह देते हैं कि वो व्यक्ति इतने बड़े पद पर है, लेकिन हम असल में कामयाबी तो देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते। ये हम लोगों की फितरत है, हमें संघर्ष देखना चाहिए। बहुत संघर्ष होता है उस कामयाबी तक पहुँचना, और उससे बड़ा संघर्ष होता है उस स्तर को बनाए रखना, अपने कद को बनाए रखना। तो बिल्कुल आशा मैम जो हैं उन्हीं प्रयासों में निरंतर लगी रहती हैं, और हम महिला शक्ति के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय VP यादव जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्हें मैं आमंत्रण देना चाहूँगी कि वो आएं, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उन्हें मैं आमंत्रण देती हूँ। और हम वापस लौट आए, सुनने की मुद्रा में फिर से आ जाइए, और जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए आदरणीय VP यादव जी का। धन्यवाद मैडम। आज ये उत्साह देखकर वास्तव में मन प्रसन्न हो गया कि इतना बड़ा जनसमुदाय आज, जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र नागर जी ने बताया कि शहर में धारा 144 लगी है कोरोना के उसमें, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का उत्साह, आपसे निवेदन है सब लोग जरा बैठ जाएं, क्योंकि आज हम लोग जिस विषय पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो कोई छोटा विषय नहीं है। और ये मंथन अगर ये महीनों चलता रहे तब भी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक समय की सीमा है। मैडम मुझे कितना समय दिया गया है? 20 मिनट। ओके, क्योंकि इस मंथन के पहले मैं आपको याद दिला दूं, एक मंथन और हुआ था, और आप सोच रहे होंगे कौन सा मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन था, जिसको देवों और असुरों ने मिलकर किया था। मतलब ये प्रतीक है इस बात का कि एक एकता में कितनी शक्ति होती है कि पूरा उन्होंने समुद्र मत डाला। लेकिन उसी मंथन में कहानी आती है कि जितने रत्न निकले थे, आज हम सब वही विकास का एक मंथन कर रहे हैं, और हर ओर विकास के चक्कर में ही हम लोग अपना विश्व भी उत्पन्न कर रहे हैं। वो उसमें अमृत के लिए हुआ था, और यहाँ पर भी हमारा विकास रूपी जो हमारा मंथन चल रहा है, हम विकास तो कर गए लेकिन साथ साथ हमने कुछ विश्व भी उत्पन्न किए, उसमें जहर भी निकले। और ये जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण जिसकी हम बात यहाँ पर आज कर रहे हैं नदियों के लिए, ये उसी का एक परिणाम है। तो आज हमें सोचना ये है कि क्या हम एक ऐसी जगह जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं, जिसको कि परिभाषित भी किया जा चुका है, वो सबको समझ में आ रहा है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या हम देकर जाएंगे, जो हमको प्राप्त हुआ है, अगर हम वही आगे आने वाली पीढ़ियों को दें तब हम विकास को ही सतत विकास कहेंगे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपसे कहूँगा। आज मुझे मैडम के संचालन में कुछ दुष्यंत की लाइनें भी सुनने को मिली, और उन्हीं दुष्यंत की 2-3 लाइनें मुझे आज याद आ रही हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलने चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। मतलब ये जिंजीविषा हम सबके दिलों में होनी चाहिए, किसी एक क्षेत्र में या एक किसी समुदाय के ऊपर अगर आप ये डालें, चाहे हमारा वैज्ञानिक समुदाय हो, इंजीनियर समुदाय हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो परिपूर्ण नहीं होगा, कोई भी आपको लक्ष्य पूर्ति नहीं होगी उससे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के जितने अंग हैं, कोई भी कार्य हो, आज हम नदी की चर्चा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बनाया, इसके पहले गंगा एक्शन प्लान बनाया, लेकिन इसमें कमी क्या रह गई? आज अगर उसका भी हम मंथन कर लें कि क्या वो डिजायर्ड आउटपुट से मिले हमें, मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं रहती हैं किसी भी योजना से, जैसा कि अभी मेयर साहिबा यहाँ से कह के गई कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो हमारी जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी है, पहले गाड़ियों की संख्या कितनी थी आज कितनी है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। केवल ये देखते हैं नहीं, नदियों में प्रदूषण हो गया है, चाहे जल प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो, ये हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है,
आज हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन अगर हम इसको सोसाइटी के इंडेक्स से अपने जोड़ें, हैप्पीनेस इंडेक्स से जोड़ें, तो वो इंटीग्रिटी अगर आप देखें तो हम लोग उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि 5 विश्व की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ आज सबसे ज़्यादा क्लीन हो गई। थेम्स नदी इंग्लैंड की जो थी, वो किसी ज़माने में 1800 में उसमें इतना गाद भर गया था कि आदमी उस पर मूव भी कर सकता था, डूबता नहीं था, और आज वो विश्व की सबसे क्लीन नदी बन चुकी है। तो थेम्स परियोजना यही चीज़, अगर हम आज अपनी गंगा और यमुना और या जो भी नदियां हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे इंडिया में मॉनिटरिंग कर रहा है, सतही जल की भी, ग्राउंड वाटर की भी, झीलों की भी, और हमारे 4111 स्टेशन अनवरत चल रहे हैं, और उसी के रिजल्ट पर हमने आज ये डिक्लेयर किया है कि हमारी 551 रिवर स्टेचेस आज पॉल्यूटेड हो गई है। पॉल्यूटेड का मेरा मतलब ये नहीं है कि सबका हम, अगर हम देखें डिजिग्नेटेड बेस्ट यूज क्या है, आप ये ना माने कि हम किसी भी नदी का जल हम डायरेक्ट हम उसको पी सकते हैं। हमने अपने कुछ मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन हमने क्लास बी में जो डिफाइन किया है वो ये किया है कि अगर उस नदी से हम स्नान कर लें और हमको कोई बीमारी ना हो, क्योंकि स्नान करने में भी कुछ पानी हमारे मुंह के थ्रू हमारे उदर में जाता है, उसका एक हमने मानक निर्धारित किया है। तो ज़्यादातर नदियाँ हमारे क्लास बी से क्वालिफाई नहीं कर रही, और हिंडन नदी तो हमारी सबसे लोएस्ट श्रेणी में आती है, हिंडन हो गई, यमुना हो गई। तो हमने 351 पॉल्यूटेड रिवर स्टेट डिफाइन किए हैं, और इस सब के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर योजनाएं बनाई हैं, और उसको लोकल लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करने की कार्य योजना बनी है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, जो लोग भी इस क्षेत्र में आके कुछ अपना सहयोग करना चाहें, तो कम से कम भारत सरकार की इन योजनाओं को एक बार आप देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि वी आर अगेन गोइंग टू री इन्वेंट द हिल, कि बार बार एक ही चीज़ को हम करते रहें। तो हमारी जो मेरी आपसे निवेदन है कि हम चारों स्तंभ, आप कह लें कि इंस्टीट्यूशनल उसमें स्ट्रेंथनिंग हो, नॉलेज स्ट्रेंथनिंग हो, एपिस्टी बिल्डिंग हो, और सोसाइटी मास अवेयरनेस, जो कि जन समुदाय आप लोग हमारे साथ ही हैं, तो आप हम सबको ये मिलकर कार्य करना होगा, और कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। हम केवल 3 क्षेत्रों में की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल, जैसा कि इसके पहले के पूर्व वक्ता ने भी कहा कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तो इंस्टॉल कर दिए गए हैं इंडस्ट्रीज में, लेकिन क्या वो मानक पूरे कर रहे हैं जिसके लिए उनको लगाया गया है? अगर ये चीज़ें अगर हम ध्यान दें, तो आज हमारा जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो रिपोर्ट कहती हैं कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो हिंडन क्षेत्र में हैं, शुगर मिल हैं, पेपर इंडस्ट्री हैं, कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज हैं और कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो अपने मानक पूर्ण करें और उनका पूरा रिसाइकल रीयूज करें ट्रीटेड वेस्ट का, वाटर का अपने, तो ये समस्या कहीं हद तक सॉल्व की जा सकती है। दूसरा क्षेत्र हमारा सीवेज ट्रीटमेंट का आता है, डोमेस्टिक सीवेज का। आप सबको पता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। हम लोग सब सोचते हैं हम अपने घर में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ भी नहीं करते। हमारा ये ध्यान रहता है कि हम अपना ये वाटर कहीं किसी नाली में डिस्चार्ज कर दें, और अब इसकी जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हो गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतना मनी नहीं है। अगर कहीं पर भी ये कुछ होता है, क्योंकि आज भी जो हमने आंकड़े किए हैं, पूरे इंडिया में 65,000 MLD वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, और आउट ऑफ दिस ओनली 23,000 MLD ट्रीट हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि 2/3 सीवेज इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज इन रिवर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और मोर और लेस यही स्थिति जो है हमारी हिंडन की भी है, और हो सकता है कि हिंडन की स्थिति और ख़राब हो, क्योंकि हिंडन जब गाजियाबाद में मिलती है तो अपने सारे मानक इसके आप कुछ कह भी नहीं सकते। DO इसका 0 के आसपास आ जाता है, BOD मोर देन 60 चली जाती है, जलीय जीव जंतुओं का इसमें कोई नाम निशान नहीं बचता, और जो कुछ भी बीमारियां हैं आप तो जान ही रहे हैं आपके आसपास। लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि एक्शन प्लान प्रिपेयर हो गए हैं, और आप सबका सहयोग चाहिए, और आप सबके सहयोग के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल निकाय, अगर ये तीनों इकाइयां मिलकर साथ में काम करती हैं और जनमानस हमारे साथ है, तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, कोई भी नदी क्लीन की जा सकती है, ये हमने अपने इतिहास में भी देख लिया है। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं, साथ में एक चीज़ आपसे और कहता हूं कि 2 चीज़ें केवल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं, अगर आप गहन विचार कीजिएगा, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन।
दो वर्ड मैं आपको देके जा रहा हूं, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में इसको लगाइएगा, अगर ऑनेस्टी है और आप में डिसिप्लिन है तो कोई भी कार्य पूर्ण होगा। अगर इन दोनों में कमी है तो हमारा समाज कभी भी उन्नत नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत ही खूब आदरणीय, कितनी खूबसूरत बात कही कि ईमानदारी और अनुशासन दोनों चीज़ें अनिवार्य हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अगर दैनिक जीवन में भी हम अप्लाई करें तो बहुत बहुत से काम सरल हो जाते हैं।